अल्लाह के राज़ी होने की पहचान हमें कभी दिल में टेंशन होती है कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं है हमें किस तरह पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है मोहम्मद ईसा साहब कश्मीर से भाई अल्लाह ने क़ुरान में बता दिया है कि अल्लाह किन से ख़ुश है जिन से अल्लाह ख़ुश रहता तो उन पर कोई खौफ वम नहीं होता तो अल्लाह ने बताया किन से ख़ुश है अला अलिया अल्लाह ही लाखौौफ़न आलम वालाम यासलून अल्लाह के जो वली हैं अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर कोई खौफ़ो गम नहीं होगा क्योंकि अल्लाह उनसे खुश है अब अल्लाह के वली कौन होते हैं अल्लाह ने कुरान में बता दिया अल्लीन आमनु वकानू यकून जो ईमान लाए और तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार की ईमान का मतलब जो कुरान ने हमें अकीदे बयान किए हैं जो हमारे बेसिक अकायदे हैं अल्ला ही मुश्किल कुशा अल्लाह ही हाजत रवा तकदीर पर ही मानो आखिरत पर ई मानो फ़रिश्तों परी मानो और शिरक न करते हों ये जो मोटे मोटे ईमानियात हैं ये और दूसरा वकानू यकून और वह गुनाहों से बचते थे तो कबीरा गुनाहों से इजतनाब की तोफ़ी अगर आपको मिल रही है फ़राइज वाजिबात की पाबंदी की तोफ़ी मिल रही है तो अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है ये इसकी अलात है ये इसका एक साइन है कि अल्लाह आपसे खुश है और अगर कभी गुनाह होता है लेकिन फ़ौर तोबा की तोफ़ी मिल जाती है उस वक्त तक आपको तसली नहीं होती जब तक आप तोबा ना कर लें तो भी इसकीत है अल्लाह आपसे खुश है लेकिन अगर मामला ऐसा नहीं है बल्कि आप कबीरा गुनाह भी करते हैं मसल मर्द है तो दाढ़ी काटता है औरत है पर्दा नहीं करती है या फ़र्ज़ नमाज आप कज़ा कर देते हैं जानबूझ कर या जोलियाँ ग़ीमतें करते हैं या लोगों के पैसे ले जाएँ तो पुलिस से भी निकलवा भी नहीं निकलवा सकती आपसे पैसे आप लोगों से जो माहे करते हैं उनको पूरा नहीं करते पैसे लिए आपने कि भाई मैं फ़लाँ तारीख को दे दूँगा और फ़लाँ तारीख आ गई है वो बेचारा आपके घर के बाहर खड़ा हुआ परेशान हो रहा है इसी तरह आप अगर आदमी हैं और बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर रहे या औरत हैं शोहर के हकूक़ अदा नहीं कर रही या औलाद हैं वालद के हकूक़ अदा नहीं कर रहे वालदे हैं औलाद के मोटे मोटे जो बेसिक हकूक़ हैं अदा नहीं कर रहे तो ये सारी चीज़ें अगर गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब है भाई अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि मैं किन से राजी हूँ किन से राजी नहीं हूँ तो अल्लाह उनसे राज़ी है जिनका अकीदा भी दुरुस्त और कबीरा गुनाहों से इजतनाब की तोफ़ी मिलती है छोटे मोटे गुनाहों के बारे में अल्लाह ने कुरन में फ़रमा दिया इन तज कबा इरा मातन हो नान नुक़ फिरकुम सही है आते गुम अल्लाह फरमाते हैं बड़े बड़े गुनाहों से बतोगे तो छोटी मोटी गलतियाँ जो हर इंसान से हो जाती है, हैं अल्लाह फरमाते मैं उसको माफ़ कर दूँगा तो वो बार बार ना हो बस कभी कभार हो जाती है इंसान से लेकिन जो बड़े बड़े जराइम हैं जिनको कबीरा गुना कहा जाता है उनसे इजनाब करना फ़र्ज़ है तो वो अगर आपको तोफी मिल रही है तो अल्लाह से उम्मीद है कि इन अल्लाह आपसे राज़ी होगा बाकी इसकी कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जी वो अल्लाह अगर राज़ी है तो इसका मतलब पैसे बहुत आ रहे हैं इसका मतलब अल्लाह राजी है ऐसा नहीं होता बाज़ दफ़ा अल्लाह जिनसे राज़ी होता है उनको परेशानियों में डाल देता है अल्लाह ताला और बाज़ तफ़ा ख़ुशियों भी दे देता है अल्लाह ताला तो ये दुनिया की खुशियाँ दुनिया की टेंशनें दुनिया की परेशानियाँ ये कतन इसकी इसकीत नहीं है कि ना परेशानी इसकी अत है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है ना ख़ुशी इसकी इसकीत है कि अल्लाह आपसे खुश है अल्लाह आमाल को देखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला इला सुवरिकुम वला अम वालकम वला कीमालकुम सही हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्ल को भी नहीं देखता अल्लाह तुम्हारी दौलत को भी नहीं देखता अल्लाह तुम्हार सिर्फ़ तुम्हारे अमल को देखता है और इलाकुलू भी भी है कि तुम्हारे दिल को देखता है और तुम्हारे अमल को